Good morning students, welcome to our channel. Today we will discuss about number system. After that you will have no problem in understanding number system, so please watch this video seriously. So let us start. So I am going to start number system. This is the first chapter of Standard 9 CBSE. In this chapter, we will know types of numbers that we use. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन नंबर है, कितने तरह के नंबर होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं. तो सबसे पहले नंबर का यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं. तो काउंटिंग पर्पस के लिए जो नंबर यूज होता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या. तो काउंटिंग के लिए हम जब काउंट करते हैं तो वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर, और जितना आगे बढ़ते चले गए ये सारा का सारा नेचुरल नंबर. इसे हम डिनोट एन से करते हैं, ये एन से डिनोट किया जाता है. अब इस नंबर सिस्टम में, इस नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो मिला दें, तो वो होल नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर जितना है वो और साथ में जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर. ठीक है, और उसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं. कहने का मतलब जीरो और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यही है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ये सारा होल नंबर हो जाएगा. इसे हम डिनोट W से करते हैं. इसके बाद ये तो जीरो से हमने स्टार्ट किया है, कुछ निगेटिव नंबर्स भी होंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जो कि जीरो से पहले होंगे. अगर उसे भी हम ले लें तो वो कहलाएगा इंटीजर, राइट. तो कहने का मतलब माइनस वन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, इधर आप जितने चले जाएंगे, और जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव डॉट जितना आगे चलिए, ये सारा का कलेक्शन इंटीजर कहलाएगा. इसमें जो भी नंबर आएंगे वो इंटीजर कहलाएगा. इसे हम आई से भी नोट कर सकते हैं. कहने का मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा जो है, और उसके साथ जीरो हम डाल दो, जीरो हम ले लेंगे तो ये कलेक्शन हो जाएगा होल नंबर. कहने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. ठीक उसी तरह से जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे ना तो होल नंबर हो सकते हैं ना ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर हो सकते हैं, और जितने होल नंबर है वो भी सारे के सारे इंटीजर हो सकते हैं. हो नहीं सकते हैं, होंगे. जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर नंबर होंगे, और जितने होल नंबर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर होंगे. ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. इसमें तो आपने डेसिमल नंबर तो नहीं है, जैसे 4/5 2/3 ये भी तो नंबर ही है. तो इस सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इस सारे को हम लोग
रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो कि p बार q के फॉर्म में हो सकता है, होता है। जैसे ये 4 है तो 4 क्या होगा, p हो गया, और ये 5, 5 क्या हो गया, q। बट q जो होगा वो 0 नहीं होगा, राइट, q जो होगा वो 0 नहीं होगा। कहने का मतलब रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p is q is not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में होगा और जिसमें q 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो रैशनल नंबर, इसे हम इसमें एक और नंबर आता है जो कि रैशनल नंबर दो तरह का होता है। एक होता है जो नॉन रेटिंग होता है और एक रेटिंग होता है, उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 10/3, अब 3 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 1, तो यहाँ पॉइंट लेंगे 0, 3 3 9 1, पॉइंट भी होगा 0, 3 3 9 1, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसे हम रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक रेकरिंग होता है, और एक होता है नॉन रेकरिंग, जैसे 21/4 से अगर 21 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 1, पॉइंट ये 0, 4 2 8, 2.0 4.5, यानी कि ये 5.25 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये नहीं। तो रैशनल नंबर दो तरह का होता है, एक डिग्री एक नहीं। इसी पी वाई क्यू के फॉर्म में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आता है पी वाई क्यू के फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसमें वो नन, वो इस तरह से इस फॉर्म में होता है कि वो कट जाए, ना ही वो रेकरिंग के फॉर्म में होता है, हमेशा वो डिजिट उसका बदलते रहता है, पॉइंट के बाद जितना आप आगे चले जाइए डिवाइड करते हुए वो कभी खत्म नहीं होगा, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।